हेलो फ्रेंड्स, आज हम जिस बारे में बात करना चाह रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो चाइना इतना घबराया हुआ है और उसने बॉर्डर पर S-400 मिसाइल्स लॉन्च की हुई है और बुलेट ट्रेन भी चला दी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे आखिरकार ऐसा हुआ क्या। तो इस बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना होगा वहाँ के न्यूज़ रिपोर्टर के बारे में जानना होगा। तो जो न्यूज़ रिपोर्टर है वहाँ पर, उसने वहाँ की सेना की पोल खोल दी थी कि जो चाइना का जो रेजिमेंट है, जो चाइना की सेना है, वो हाई एल्टीट्यूड यानी कि जो पहाड़ होते हैं, हिल्स एरिया जो होते हैं ना दोस्तों, पहाड़ हिल्स एरिया, मतलब कि उन पर लड़ नहीं पाती क्योंकि वहाँ की जो सेना है उसको इस तरीके से बनाया नहीं गया, उसे ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी गई। जो ऑक्सीजन की कमी के कारण दोस्तों बीमार होते हैं, हाइपोथर्मिया, जिसे सांस फूलने लगती है और चक्कर आने लगते हैं, उल्टी वगैरह होने लगती है, तो इस के लिए उनकी सेना को रेडी नहीं किया गया। और हमारी सेना क्या है, हमारी सेना को तो 1962 से ही, ठीक है, 1962 से ही इसलिए तैयार किया जा रहा है क्योंकि 1962 में हमारा युद्ध हुआ था, तो उसके बाद से तभी से ही हमारे जो देश की सेना है उसको हाई एल्टीट्यूड पर लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। तो दोस्तों ये जानते हैं कि आखिरकार कहाँ कहाँ चाइना ने अपने वो जो वेपन्स है या जो बुलेट ट्रेन है वो कहाँ से चला, कहाँ तक चलाई है। तो दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं चाइना, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो चाइना का जो मेन बॉर्डर है, सॉरी जो मेन एरिया है जहाँ से चाइना अपना पूरा आर्मी का वेपन्स वगैरह जो भी है सब कुछ यहाँ पे रखता है, यहाँ से कंट्रोल करता है दोस्तों। तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ नेपाल कॉर्नर तक, ऐसे यहाँ पे यहाँ तक उसने बुलेट ट्रेन चलाई है। वो इसलिए चलाई गई है दोस्तों तो कि क्योंकि इसकी जो सेना है वो जब 15-20 दिन से ज़्यादातर कवर नहीं कर पाती तो उन्हें हाइपोथर्मिया, उल्टी आना, चक्कर आना, इसकी बीमारी शुरू हो जाती है। तो उन्हें ले जाने, लाने ले जाने के लिए जल्दी से जो एक्सचेंज कर सके उसके लिए ये बुलेट ट्रेन चलाई गई है। अब यहाँ से आगे तक दोस्तों इनकी बुलेट ट्रेन नहीं बीच पाई, तो यहाँ पर इस एरिए पर उन्होंने S-400 मिसाइल लॉन्च किए इस एरिए पर, सिर्फ एक रिपोर्टर के ये कहने की वजह से कि तुम्हारी जो आर्मी है वो हाई एल्टीट्यूड पे लड़ने के लायक नहीं है। तो जो चाइना इतना बौखलाया हुआ है सिर्फ इसी बात से। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं हम कि S-400 मिसाइल काम क्या करती है। S-400 मिसाइल दोस्तों एक रडार सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, S-400 एक क्या है, रडार सिस्टम। S-400 एक रडार सिस्टम है और वो इसलिए यहाँ पर बिछाया गया है दोस्तों कि जो यहाँ पर हमारा एयरफोर्स बेस थिएटर कमांड बनाया गया है और यहाँ पर एयरफोर्स बेस बनाया गया है थिएटर कमांड, ये तीनों रेजिमेंट जैसे कि हमारी थल सेना, वायु सेना और जो जल सेना है, उन तीनों को मिलाकर थिएटर बेस बनाया गया है, थिएटर कमांड बनाया गया है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होगा कि पहले जैसे कि हमें पूछना पड़ता था तीनों रेजिमेंट से कि सर हमें एयरफोर्स की ज़रूरत है, तो पहले ऊपर हाई कमांड पे जाते थे, फिर वहाँ से ऑर्डर मिलते थे, तब मतलब कि इस सिचुएशन में कि मान लीजिए हमारे साथ युद्ध हो रहा है तो हम पहले को वहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे वायुसेना के लिए कि सर हमें वायुसेना चाहिए, हमारे पास आगे से वेपन्स से मतलब हमला हो रहा है, हम आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो फिर ऊपर से ऑर्डर आएंगे तब हमारे पास आएगा। लेकिन थिएटर कमांड से, यहाँ से दोस्तों यहाँ पे पहला नॉर्थ में बनाया जा रहा है थिएटर कमांड, इससे फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ यहाँ से ऑर्डर जाने से किसी के भी ऑर्डर की या सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और थल सेना हो, जल सेना हो या वायुसेना हो, वो एकदम काम करना शुरू कर देगी, उसे किसी के ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि इंडिया और चाइना में आखिरकार युद्ध के बीच में हो क्या सकता है, आखिरकार किसका पलड़ा है भारी। ये दोस्तों जैसे कि मैंने इधर दिखाया हुआ है, एक बात और जान लेते हैं इस बात को जानने से पहले, जो एम टी सी आर दोस्तों एक संस्था है जिसका क्या है, इंडिया इंडिया इस संस्था का मेंबर है। और इस संस्था का मेंबर होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप किसी भी रेंज तक यानी कि किसी भी मारक क्षमता तक का वेपन ले सकते हैं दोस्तों। और जो एम टी सी आर का सदस्य नहीं है, जो कि है चाइना, चाइना MTCR का सदस्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मिसाइल लेता है ना S-400,
यस 300। तो जो इसको S-400 का ऑर्डर दिया होता इसने रसिया को, लेकिन रसिया ने देखा कि MTCR का सदस्य नहीं है, तो इसने S-300 मिसाइल दे दी थी। यानी कि S-300 का मतलब जो 300 किलोमीटर तक की रेंज हो इसकी। तो सबसे बड़ा MTCR का होने का फ़ायदा यह है कि आप किसी भी रेंज तक की जो मिसाइल हैं या जो भी वेपन्स हैं वो ले सकते हैं। लेकिन जिसके पास MTCR नहीं है वो सिर्फ 300 किलोमीटर से तक की ही रेंज का वेपन खरीद सकता है। अगर हाँ वो खुद पर बना ले तो कोई बात नहीं, लेकिन वह खरीद नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। अब आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे दोस्तों, S-400 और S-300, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर इस जगह ऐसे करके, यहाँ पर इंडिया के बॉर्डर पर, यहाँ पर S-400 मिसाइल का जो इसने चाइना ने बिछाया हुआ है जाल, अब उसको भेदना क्या सक्षम है? क्या हमारे जो एयरप्लेन्स हैं, या सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हमारे एयरफोर्स के जितने भी हवाई जहाज वगैरह सिस्टम्स हैं, क्या वे उड़ पाएंगे? अब इतना फ्रीली नहीं उड़ पाएंगे, उड़ तो पाएंगे लेकिन इतना फ्रीली नहीं उड़ पाएंगे। क्या जो S-300 सिस्टम है इसको हमारे में एयरफोर्सेस वगैरह चकमा दे सकते हैं? तो हाँ दोस्तों, अगर इस पे जो रडार सिस्टम है S-400, अगर S-400 पर हम किसी एक ही पर्पज़ एक ही टारगेट पर कम से कम 30 से 40 मिसाइल लगातार एक ही उस पर वो करेंगे, तो दोस्तों मुश्किल से मुश्किल ये 20 या 25 को ही ट्रैक कर पाएगा, 10 5 10 इससे छूट जाएंगे। तो जो ये छूटेंगे वे काफ़ी हद तक हमारे लिए बेनिफिशियल होंगी, तो इतना ज़्यादा कारगर भी नहीं है सिस्टम। ठीक है दोस्तों, अभी हमारे यहाँ के, मतलब हमारे देश में पिनाका, जो पिनाका बॉम्बर्स मिसाइल सिस्टम है, उससे अभी ये परीक्षण किया गया है। और अभी एक अग्नि प्राइम, हाँ दोस्तों, अभी एक अग्नि प्राइम मिसाइल का परीक्षण किया गया है, जो कि बहुत ही लाइट वेट है, और इसकी जो मारक क्षमता है वो पहले अग्नि जो थी उसकी 1000 थी, लेकिन अग्नि की जो मारक क्षमता है वो 1500 किलोमीटर कर दी गई है। और दोस्तों बहुत ही लाइट वेट, बहुत ही लाइट वेट बना दी गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको कैनिस्टर, कैनिस्टर एक तरह का कवर होता है दोस्तों, जिससे मिसाइल को लाने ले जाने में हमें आसानी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई नया फ़ोन लिया, अब आपने फ़ोन लिया, आपने फ़ोन को जेब में रख रखा है नॉर्मल तरीके से, लेकिन अगर आपने उसका कवर लिया है तो आप उसे कैसे भी आराम से कहीं पे भी रख सकते हो, आपको थोड़ा सिक्योर महसूस होगा। तो ऐसे ही सेम सिस्टम है कैनिस्टर का दोस्तों, इसमें ना जंग लगता है कोई भी, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आती है मिसाइल्स को ले जाने में। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं आर्टिलरी सिस्टम की, कि अगर युद्ध हुआ तो हमारे पास आर्टिलरी सिस्टम कैसा होना चाहिए। यानी कि हमारे पास यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पर ले जाने के लिए हमारे पास क्या सिस्टम होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पर हाई एल्टीट्यूड पर ले जाने के लिए क्या सिस्टम होने चाहिए। तो दोस्तों काफ़ी टाइम पहले से आप सुन रहे हो कि इंडिया यहाँ पर एक एयरबेस बना रहा है जिस पर माल वाहक वगैरह ले जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल हमारा आर्टिलरी सिस्टम भी बहुत मजबूत है, और उससे भी सबसे बेहतर है कि हमारे पास है चिनूक। चिनूक डबल इंजन वाला एक हवाई जहाज होता है, मैं आपको यहाँ पर इमेज शो कर दूंगा चिनूक की। चिनूक जो होता है एक डबल सिस्टम, डबल इंजन वाला, सॉरी, डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर होता है, जिससे मतलब एक बार में 60 से 70 आर्मी ले जाई जा सकती है, 60 से 70 जवान ले जाए जा सकते हैं। और M777, आपको मैं यहाँ पर दिखा दूंगा M777 क्या होता है। एक M777 क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट तोप होती है दोस्तों, कॉम्पैक्ट तोप होती है जो पहाड़ी एरियाओं पर आराम से ले जाई जाती है चिनूक द्वारा। और राफेल को तो आप जानते हैं, फ्रांस से हमने सौदा किया था राफेल का, जिसकी सारी खेप वो दिसंबर तक हमें पहुंचा देगा। यहाँ तक कि अभी दोस्तों हर महीने या डेली जैसी भी आ रही है, लेकिन आ रही है। अब आप जानते होंगे चाइना जो है, चाइना धोखेबाज से ही ड्रैगन इसीलिए नाम पड़ा उसका। तो जो चाइना के दोस्तों जवान होते हैं ना, यहाँ पहाड़ी एरिया बहुत है, यहाँ पर इस जगह पहाड़ी एरिया बहुत है, तो जो चाइना के जवान होते हैं छिप जाते हैं ऐसे ऐसे करके। तो उसके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया गया, जिसका नाम है P-8I, जिसको बोलते हैं हम ईगल-आई, P-8I, इसको हम ईगल-आई भी बोलते हैं दोस्तों, ईगल-आई।
इसकी मतलब इसकी जो ढूंढने की क्षमता है सेंसर्स है कि अगर कोई पहाड़ी के पीछे इस तरीके से भी छिपा हुआ है ना दोस्तों, तो इसका जो 360 डिग्री का कैमरा वो ऑटोमेटिक इसको कैप्चर कर लेता है और ये जो सिस्टम है सीधा इन्फॉर्म करता है अपने बेस पे। इसका बेस भी बना होता है दोस्तों, जैसे कि हमारे यहाँ पे बेस है और यहाँ पे उड़ रहा है और यहाँ पे कोई हमारे एरिया में घुसा है तो एकदम हमें इन्फॉर्म करेगा, ठीक है दोस्तों। और इसकी हाइट इतनी होती है कि जो नॉर्मल आइज से देख नहीं पाते इसको, इतना सक्षम होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। चाइना के पास है S-20 जो सुपर स्टील विमान है दोस्तों, सुपर स्टील से बना हुआ विमान है दोस्तों, और इसने करी है अमेरिका की कॉपी, क्योंकि आप तो जानते हो कि चाइना है तो कॉपी पेस्ट करने में तो ये माहिर है। जो अमेरिका का B-20 है, B-2 सॉरी, अमेरिका का B-2 है ये, अमेरिका का B-2 सुपर स्टील, सुपर स्टील से बना हुआ एक जेट है दोस्तों। तो इसी की कॉपी करके चाइना ने बनाया है H-20, जिसकी इमेज मैं आपको यहाँ पर शो कर दूंगा। ये भी सुपर स्टील से ही है दोस्तों। अब ये क्या सोच रहा था, इसने एक हफ्ते तक, लगभग एक हफ्ते तक इंडिया के जो रडार सिस्टम उन सब का बेवकूफ़ बनाया, ये बम वगैरह गिरा रहा था पास में ही, लेकिन ये पकड़ा नहीं जा रहा था दोस्तों, ठीक है। अब ये हमारी रडार है और ये मान लीजिए कि इसका एरोप्लेन है यही, ठीक है दोस्तों। अभी हम पे ये ऐसा सिस्टम था कि सुपर स्टील सिस्टम जो था वो रिडार पकड़ नहीं पाए थे उसे, तो ज़्यादा खुश होता। अब जो हमारे सिस्टम है DRDO, DRDO के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे, DRDO ने एक सिस्टम बनाया OTH, ओवर द होरिजन, इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों ओवर द होरिजन। ये पूछा जा सकता है दोस्तों आजकल आने वाले आगे पेपरों में कि OTH की फुल फॉर्म बताइए, तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों ओवर द होरिजन होती है, ठीक है। अब ये करता क्या है, जो इसने बनाया ना S-20, S-20 चाइना ने, S-20 सुपर स्टील सिस्टम, इसकी जो रेंज होती है दोस्तों 7000 किलोमीटर, एक बार फ्यूल कैपेसिटी इसकी जो होती है भरने के बाद ये 7000 किलोमीटर तक जा सकता है, और ये मल्टी बैरल होता है, मतलब इसमें हर तरीके का हथियार फिट हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ कि DRDO ने बनाया OTH, ओवर द होरिजन सिस्टम। अब इसकी बात, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों, OTH, OTH क्या होता है, इसकी जो रेंज होती है वो 5000 किलोमीटर तक होती है, तो यानी कि दोस्तों इसकी जो रेंज है वो रशिया तक है आराम से। जो रशिया में अगर कोई प्लेन उड़ेगा तो हमें लद्दाख में पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ से किसी प्लेन ने टेक ऑफ किया है। तो दोस्तों मान लीजिए चाइना अपने बेस से क्या कर रहा है, अपने एक हवाई जहाज को उड़ा रहा है, सॉरी जेट को उड़ा रहा है, मान लीजिए उसने सुपर स्टील अपना S-20 उड़ाया, तो वो रनवे छोड़ भी नहीं पानेगा और हमारा OTH जो कि लद्दाख में लगा हुआ है, सॉरी लद्दाख में लग रहा है, तो उसे एकदम डिटेक्ट कर लेगा और हमें एकदम पता चल जाएगा कि हाँ वहाँ से रनवे से एक S-20 विमान उड़ाया है और हमारा जो सिस्टम है उसको ट्रैक कर लेगा, जिसका नाम है OTS सिस्टम। दोस्तों आने वाली हम वीडियो में डिटेल से जानेंगे S-400 मिसाइल पूरा डिटेल में कैसे काम करती है, S-400 मिसाइल पूरा डिटेल में कैसे काम करती है या OTH कैसे काम करता है। अब आप बताइए कि आपको किसके बारे में जानना है, S-400 मिसाइल के बारे में जानना है कि डिटेल में कैसे काम करती है, या पहले OTH के बारे में जानना है कि ये कैसे काम करता है, या सुपर स्टील्थ S-20 सिस्टम जो बनाया गया है जेट, ये जो नॉर्मल रडार होती थी हमारी पहले उनसे कैसे बच पाता है, ऐसे इसमें क्या होता है जो ये बच पाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है दोस्तों।